राम राम भाइयों, सरपंच शब्द सुन दे दिमाग में आओ एक मोटे से खंड के आला आदमी पर ईब तो टाइम बदल गया। हमारा सरपंच आखिर कैसा हो के अपनी सरपंच भरी पंचायत में घूंघट खोल के पर्दा प्रथा खत्म कर सका है कि अपनी सरपंच एक एमबीए डिग्री वाली भी हो सका है कि अपना सरपंच गांव में हर बेटी के पैदा होने 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू कर सका है। आओ देखें भारत के 3 बेस्ट सरपंच के बेस्ट 3 काम। अगर आपकी सरपंच के उम्मीदवार की लिस्ट में इनमें से एक भी काम हो तो उसके नाम का बटन दबा दो, नहीं तो भाई नाली खुदवानी है और जोड़ बनवानी है ही सरपंच आपने मिलेंगे। पहली बात, दिलदार सरपंच जिन्हें भरी पंचायत में घूंघट खोल कर अपने गांव तक पर्दा प्रथा खत्म कर दी, हरियाणा के फतेहाबाद जिले की धानी मियां खां गांव की सुषमा। इसने बड़े जबरदस्त 3 काम करे। पहला तो यो है कि आखिर इसने पर्दा प्रथा अपने गांव तक खत्म कुकर कर दी। 2 साल तक घूंघट में पंचायत चलाने वाली, एक दिन इसने पंचायत में घूंघट खोल दिया। इसके पति ने हालांकि डर भी था कि समाज के प्रतिक्रिया देगा, पर धीरे धीरे गांव की सारी औरतों ने घूंघट करना बंद कर दिया और आज जो गांव 90% घूंघट प्रथा तय फ्री है। दोस्तों, मैंने घूंघट प्रथा के इतिहास पर वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक दे रखे हैं, आप उसने क्लिक करके देख लियो। दूसरा काम, गांव के 100% बच्चों के लिए एजुकेशन, और जो बच्ची हाई एजुकेशन करेगी अगर पैसे नहीं है तो उनके लिए स्कॉलरशिप। और जो तीसरा काम है दोस्तों, वो तो वर्ल्ड का बेस्ट काम है, गर्भपात करवाने वालों की सूचना देने पर 50,000 का इनाम। हरियाणा के बहन भाई मैं तेरा धन्यवाद करूं, अपने चैनल तक इतना प्यार देने ती अपने चैनल के सारे बहन भाई जुड़जो। अगला वो सरपंच जिन्हें अपनी बेटी की मौत के बाद एक ऐसा काम शुरू करा कि किसी और की बेटी दुखी ना हो, राजस्थान के पिपलांतरी गांव के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने एक स्कीम शुरू करी कि जब भी बेटी का जन्म होगा गांव में तो 111 पेड़ लगाए जाएंगे और वो लगे हुए पेड़ उस लड़की के भाई माने जाएंगे। जो दूसरा काम है इसमें इस सरपंच की दूर की सोच देखो, इस लड़की की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए गांव 21,000 रुपए इकट्ठे करेगा, 10,000 रुपए इसके पेरेंट्स देंगे, इस सारे पैसे को बैंक में डिपोजिट करवा दें और सिर्फ 18 साल बाद ही इसने निकाल सके हैं। और जो तीसरा काम है शायद वो तो इसका बेस्ट काम है, गांव की पंचायत लड़की के माता पिता से लीगल एफिडेविट साइन करवाओगी कि आप इस लड़की ने 18 साल तक पहले नहीं ब्याहोगे। दोस्तों, जो 111 पेड़ लगाए थे एक बच्ची के ऊपर, न्यू करते करते ये गांव वाले 3 लाख तक अने पेड़ लगा चुके हैं और इसका रिजल्ट होया कि इस गांव का जो चोवा वाटर लेवल जिन्हें कह कर वो ऊपर उठ गया। दोस्तों, अपनी हरियाणा से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो मैंने घनिया का नीचे लिंक दे दिया है, वह भी देख लियो। इस बात करेंगे हिंदुस्तान की पहली एमबीए डिग्री वाली सरपंच की, कालचन ग्रुप ऑफ होटल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और एयरटेल जैसी कंपनियों में नौकरी करके छवि राजावत आराम की जिंदगी शहर में गुजार रही थी, पर अपने गांव सोदा जो कि राजस्थान के टोंक जिले में पड़ा है उसने सुधारण थी, सब कुछ छोड़कर छवि राजावत पहुंच गई अपने गांव में इलेक्शन लड़न। सरपंच बनने के बाद छवि राजावत ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन स्वच्छ भारत अभियान तक पहले ही अपने गांव के हर घर में टॉयलेट बनवा दिए थे और जो अगला काम करा वो हर घर में पानी पहुंचाने का। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जरा पानी की बहुत किल्लत है। और तीसरा काम करा अपने गाँव में 40 रोड इसने बनवा दिए। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी अगले 5 साल का मैनिफेस्टो जारी कर रहा है कि वो देश का तरक्की क्या करेगा, तो जो ये सरपंच के उम्मीदवार हैं ये भी तो गांव के प्रधानमंत्री ही बनेंगे। तुम्हारा इन सब पूछने का हक है कि भाई पोटड़े बनवाने के अलावा, समर्सिबल लगवाने के अलावा तुम्हारे दिमाग में क्या है जो तुम अगले 5 साल में करोगे। और जो ऊपर मैंने 9 काम बताए इन 3 सरपंचों के, इनमें से एक भी इनके दिमाग में हो तो इन खातिर बटन दबा दियो। दोस्तों, जिस भी गांव में इलेक्शन हो उस गांव के हर यंगस्टर के पास यह वीडियो होनी चाहिए ताकि हम अपने उम्मीदवार से सही सवाल पूछ सकें। यह वीडियो देखने की मैं गौरव मान तारा धन्यवाद करूँ।